हाँ तो हेलो, वेलकम डॉक्टर सुजीत। तो भाई आज है वैलेंटाइन डे, मतलब बुधाई का दिन। और हाँ, समझ रहा हूँ कि तुम में से कितने लोग अभी ओयो में लगे होगे, पर जो अभी नहीं लगे हैं और लगने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं, अगर तुम आज और अभी ओयो बुक करोगे तो आज के दिन तुमको ओयो भी कहेगा। अरे माँ चुदी पर ही बता रहे हो करे। तो इसलिए ही तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे लाया हूँ एक वीडियो, जिसकी हम अच्छे से गांड मारेंगे। तो भाई इस वीडियो का नाम है कपल्स इन ओयो वैलेंटाइन डे स्पेशल। और इस वीडियो का थंबनेल तुम देखकर ही बता सकते हो कि इस वीडियो में कितना हवस भरा होगा। नहीं नहीं, इधर नहीं देखना है भाई, इधर देखो इधर। वैसे मुझे बहुत जोर से गाली आ रही है YouTube के लिए, क्योंकि YouTube ने अभी तक इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है और मेरी वीडियो की गांड मार दी। सही है भाई, YouTube नेपोटिज्म। तो चलो इनकी ओयो की ठुकाई पे अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। अरे बेबी खोलो ना, इतना टाइम लगता है क्या? बेबी खोल तो रही हूँ, ऐसा करो तुम ही ट्राई करो, क्या पता खुल जाए। अबे गोदरेज का तिजोरी है क्या जो खुल नहीं रहा है? एक काम करो, इस तिजोरी को खोलने के लिए शाहरुख खान की टीम को बुलाओ, क्योंकि उन लोगों ने शालीमार तक को खोल दिया था, तो तुम्हारा क्या चीज है? हाँ इतना प्यारा रूम, क्योंकि अगर गद्दे में स्प्रिंग ना लगी हो तो मजा नहीं आता। और बहन मुझे कोई बताओ, कौन से रूम में लाइट पहले से ही बंद होती है? और इस भोसड़ी वाले को पहले से पता था कि लाइट के स्विच कहाँ है? समझ रहे हो ना, इतना प्यारा रूम तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। बेबी ये कोई ताजमहल है जो तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? और वैसे भी हम यहाँ कुछ करने आए हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ बेबी वो तो मैं भूल ही गई। तो फिर करे तो कर ना, रुका क्यों है? साला उसी समय से बातें चोद रहा है। चलो बातें मत चोद, बल्कि उसको भाई 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 बेबी एक मिनट, शर्म आ रही है। पेंशन इनकी अलग ही बकचोदी चल रही है। चलो जब भी सीन स्टार्ट होता है तब ना तब कोई ना कोई ये बहाना पेल देती है। चलो इससे अच्छा तो मैं पॉर्न हब देख लूं। अब क्या हो गया? वो ना मेरी तबीयत खराब है। इसकी माँ की टूथब्रश? जब तेरा तबीयत ही खराब था तो यहाँ आई क्यों मादरचोद? और ऊपर से इस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा सुशासन की वीडियो है। अरे लौड़े का वीडियो है, सिर्फ बातें जोत के एक वीडियो बना दिया गया है, जनता को फर्क पड़े या ना पड़े। एक मिनट, गाड़ी में सिर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द और वो वाली भी दवाई है, अभी लेके आया। अरे सुनो तो सही, मेरी वो वाली तबीयत खराब है। वो वाली, वो कौन सी? अरे वही जिसको सुनकर लौंडों के लौंडे लग जाते हैं। अरे बेबी समझो ना यार, समझाओगे तभी तो पता चलेगा। मुझे शर्म आती है ना यार, ओयो तक आ गई और अब बोल रही हो शर्म आ रही है, बताओ क्या बात है? अरे माँ के लड्डू कहाँ लाओ इधर। अबे माँ के ओ लड्डू तेरा कट गया है, अब तुझे हिला के काम चलाना पड़ेगा। और इन मैडम को देखो, जितने मार्वल्स के मूवी नहीं है उससे इनके पास बहाने हैं। चला ये देखकर मार्वल वाले भी इसको मूवी का ऑफर देते हैं, जिसका नाम होगा कैप्टन ओयो वुमेन। और चला कहता है उसमें भी ये बहाना पेलेगी, शर्म आ रहा है, तबीयत खराब है, लौड़ा खराब है। ये वाली तबीयत खराब है? हाँ। यार कम से कम पहले बता देती, मेरे पैसे तो बच जाते। क्या तुम्हें अपने पैसों से प्यार है, मेरे से प्यार नहीं है? अरे बेबी ऐसा कुछ नहीं है। Just shut up, idiot. इसे कहते हैं ओयो में लौड़े लगना। इनके 1500 रुपए का लौड़े लगे, इनके लौड़े के अरमानों के लौड़े लगे, और साथ ही इन चूतियों के चुतियापे की वजह से बाकी लौंडों के भी लौड़े लगते हैं। मतलब कुछ भी बनाते हैं ये। चलो बजरंग दल को इनको पेलना चाहिए, क्योंकि असली चुतियापे तो ये फैलाते हैं। बेबी तुम्हें पता है पिछले वैलेंटाइन डे पे ना हिमांशु अपनी बंदी को ओयो लेके गया था। तो मैं सोच रही क्यों ना हम भी ओयो चले इस वैलेंटाइन डे पे। यार तुम पागल वागल हो क्या? किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। सबसे पहले ये बताओ, मुंह में च्युइंगम फंसा या लौड़ा? और ओयो में किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा, पर ऐसे खुले रोड पे घूमते हुए कोई देखेगा तो लफड़ा नहीं होगा। वाह नहीं नहीं वाह, IQ तो देखो इनका। जिसने भी इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा है ना उसको 9.9 लर्न की सलामी। देख ले अपने दोस्तों को, अब तुम ना चुपचाप मेरी बात मानो और ओयो चलो, मेरे को नहीं पता। बेबी मुझे सच में डर लगता है ओयो जाने से। ये डर वर क्या होता है, मैंने कहा ना ओयो चलो, मतलब चलो। एहे, रहा नहीं जाता। देखो जो भी है अब ये जा रहे हैं ओयो, अब देखते हैं कि ये कौन सा बहाना पेलती है, और अगर नहीं पेलती इसका मतलब मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। आ, मिरेकल। किसका किसका नन्नू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है भाई, कमेंट में बताओ। अब मुझे नहीं पता किसका बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर इसका मुंह देखकर मुझे ये जरूर लग रहा है कि इससे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
काश यहाँ पे मुन्ना भैया होते हैं। जिस जिसने मिर्जापुर देखा होगा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो मैं तुमको बता दूं, अगर मुन्ना भैया होता तो ये कहते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, बेटर था पानी देके गए। अभी तुम अभी तक इतना डर रहे हो, मैं अपने हाथ से पानी पिलाती हूँ। कतई गांड फट्टू इंसान है यार, चला ओयो में आके वो भी लड़की के साथ पानी पी रहा है। हाँ वो बात अलग है, अगर तुम होते तो कुछ और पीते। अरे दूध पीने की बात कर रहा हूँ भाई। अरे यार अमूल दूध पीता है इंडिया, अब समझे साला, बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग। यार बेबी एक बात बताओ, हमारे रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया? 15 साल। व्हाट 15 साल? अरे भाई मम्मी के पेट में ही रिलेशनशिप बना लेते क्या? और वैसे भी इस समय तुम्हारी एज 15 साल की ही लग रही है, क्योंकि हरकतें भी निब्बा निब्बी वाली कर रहे हो। और इस टाइप की वीडियो को देखकर निब्बा निब्बी को प्रोत्साहन मिलता होगा, कतई मोटिवेट होते होंगे भोसड़ी वाले। हो गए ना 15 साल और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया मतलब? वो वाला अभी तक कुछ भी नहीं किया ना। बोला ना जो भी होगा सब शादी के बाद, तो अभी ऐसे ख्याल भी मत लाना। अरे बेबी प्लीज चल पड़ो ना। कहाँ चल पड़ो? अरे ये सब करने के लिए ओयो चलना पड़ेगा ना, तो प्लीज चल पड़ो ना। अबे भाई ये सब क्या होता है, साफ साफ बोल उदाई करने जाना है। मैं तो कहता हूँ ओयो वालों को अपने एड्स में चेंजेस करना चाहिए और कुछ इस टाइप का रखना चाहिए, क्या आप भी है परेशान, क्या आपको भी करनी है ठुकाई, तो बेफिक्र रहिए क्योंकि हम लाए आपके लिए ओयो रूम्स। बुकिंग के लिए नजदीकी ओयो रूम्स में संपर्क करें। जनित मिजारी। उधर क्या देख रहे बेबी, इधर देखो ना। यार पता नहीं तुम कैसी ड्रेस डाल के आई हो, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही। एक काम करो चेंज करके आओ इसको। जब चेंज करके आओ। एक मिनट यार, मुझे लग रहा है कभी आज पुलिस वाले आ जाए। जब तुझे डर ही लग रहा था तो ओयो आया ही क्यों मादरचोद? चला किसी के अरमानों में पानी डालना कोई इनसे सीखे। इनकी एक्टिंग ठीक ठाक है पर बहाने पेलने में इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, गांड फटे में इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, और तो और इन्होंने उदाई की भी उदाई कर दी। चला इनसे अच्छा तो अपना हर्ष बेनिवाल करता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई पुलिस में ही है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह 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 वाह। मतलब इसके पास उदाई का फ्री पास है अगर इसका भाई पुलिस में है तो। विनोद तू भी जाओ यो मजे ले, और सुन पुलिस पुलिस का टेंशन मत लियो क्योंकि तेरा बाप पुलिस में है। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर। तुम भैया तुम्हारा भाई है भाई, कोई इनके स्टोरी को ऑस्कर के लिए भिजवाओ। इसे कहते हैं बावासीर में नींबू निचोड़ना। चला ऐसी स्टोरी रवि कुमार एक दिन में मूत देता है, नहीं विश्वास रवि कुमार से पूछ लो। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। हाँ तो गाइस आज की मधुरी खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। और एक कमेंट करना ही करना, तभी तो तुम्हारे भाई की वीडियो चलेगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो मधुरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद जी मालिक लौड़े का ओयो है।